सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वुकोंग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में सीएस में। गाइज ठीक है, बहुत सारे बंदे की कमेंट्स आ रही थी कि सीएस में वुकोंग कैरेक्टर के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लाओ, तो तुम्हारा भाई फाइनली लेके आ चुका है बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वुकोंग के लिए सीएस में। ठीक है, सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना गाइज आपको समझ नहीं आएगा। गाइज ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अगर आप लोग वुकोंग कैरेक्टर के साथ सीएस में यूज करोगे ना, तो कोई भी एनिमी गाइज शायद से आपको नहीं मार पाएगा, क्योंकि गाइज आप वुकोंग कैरेक्टर कितना बेहतरीन है, ऊपर से गाइज उसके साथ बेहतरीन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, इसलिए गाइस वुकोंग कैरेक्टर आपका एकदम गाइस गोल्ड लेवल पे चला जाएगा। तो चलो बिना देर लगाते वीडियो को कर लेते स्टार्ट। सो गाइज वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, सभी लोगों को पता होगी, तो फिर भी यार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वुकोंग कैरेक्टर का एबिलिटी जिस टाइम भी आप लोग ऑन करोगे जो वुकोंग बन जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। एंड सबसे अच्छी बात वुकोंग के साथ ये है कि जिस टाइम भी आप लोग किसी भी एनिमी को डाउन करोगे या फिर पूरा खत्म करोगे ना, तो जो कूल डाउन टाइम है ना वो रिसेट हो जाता है। मतलब एक बार यूज करने के बाद एबिलिटी आप लोग 2 मिनट लगते हैं दूसरी बार यूज करने के लिए वुकोंग की एबिलिटी, बट आप लोग जिस टाइम भी किसी भी एनिमी को किल कर ले तो मतलब डाउन कर लोगे ना, तो दूसरी बार एबिलिटी तुरंत ही यूज कर पाओगे। सो गाइज वुकोंग कैरेक्टर से हमें एचपी में कोई भी हेल्प नहीं मिलती, ये तो आपको पता होगा। एंड गाइज सीएस में सिर्फ 2 ही मेडिकिट आती है। एंड गाइज वुकोंग से ऊपर से हमें हेल्प नहीं मिलती, इसलिए गाइज जो कैरेक्टर ना एचपी देता है ना, वो कैरेक्टर आपको वुकोंग के साथ यूज करना है ज्यादातर। सो पहले स्लॉट में आपको यूज कर लेना है जुट्टा कैरेक्टर का एबिलिटी। जुट्टा कैरेक्टर का एबिलिटी जिस टाइम भी आप लोग किसी भी एनिमी को डाउन करोगे ना, तो गाइज आपका 20% एचपी रिकवर कर देगा। एंड गाइज जुट्टा कैरेक्टर का एबिलिटी ना 2 तरीके से काम करेगा, मतलब कि जिस टाइम आप लोग डैमेज दोगे उस टाइम भी एचपी रिकवर करेगा, एंड आप लोग उसको पूरा खत्म करोगे या फिर डाउन करोगे इस टाइम भी एचपी रिकवर करेगा। चलो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। उसके बाद यहां पे देख सकते हो मैं इस एनिमी को डैमेज दे रहा हूं कि देखो मेरा एचपी रिकवर हो रहा है, एंड देखो यहां पे मैं उसको पूरा खत्म कर रहा हूं तो मेरा 20% एचपी रिकवर कर रहा है। सो गाइस इस टाइप से आप लोग वुकोंग के साथ जुटा गाइड को यूज करोगे ना, तो आप जिस टाइम भी किसी भी एनिमी को डाउन करोगे तो आपका एचपी भी रिकवर हो जाएगा एंड आपका वुकोंग भी फिर से स्टार्ट कर पाओगे। इसलिए गाइस आपको 2 तरीके से हेल्प मिलेगी जो अगर जुटा गाइड का एबिलिटी आप लोग यूज करोगे वुकोंग के साथ। अब सो गाइस दूसरे स्लॉट में आपको यूज कर लेना है लियोन कैट का एबिलिटी। अब लियोन कैट का एबिलिटी क्यों? क्योंकि गाइस लियोन कैट का एबिलिटी जिस टाइम भी आपको कहीं से भी डैमेज पड़ेगा एंड आप लोग थोड़ी देर सर्वाइव करोगे ना, तो आपका 30 एचपी रिकवर कर देगा। जितनी बार आपको डैमेज पड़ेगा ना, उतनी बार आपका 30 एचपी रिकवर कर देगा। एंड गाइस आपको ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करना है, सिर्फ 3 या फिर 4 सेकंड जैसे ही हो गया ना, उसके बाद आपका एचपी 30 एचपी रिकवर कर लेगा। चलो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। सो गाइस यहां पे देखो मैं ग्रेनेड से डैमेज हो रहा हूं, एंड देखो यहां पे जैसे मैंने 3 या फिर 4 सेकंड के लिए सर्वाइव किया तो मेरा 30 एचपी रिकवर कर रहा है। इस टाइप से गाइस जितनी बार आपको डैमेज पड़ेगा ना, उतनी बार आपका 30 एचपी रिकवर करेगा। सो गाइस वुकोंग के साथ लियोन कैट का एबिलिटी यूज करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा सीएस में, क्योंकि गाइस सीएस में 2 ही मेडिकिट आता है एंड वुकोंग से हमें हेल्प नहीं मिलती, मैंने पहले ही बताया ना। इसलिए गाइस हमें एचपी की बहुत ही जरूरत होती है। सो गाइस इसलिए आप लोग को लियोन कैट का एबिलिटी दूसरे स्लॉट में यूज करना है एंड पहले स्लॉट में यूज करना है जोट्टा का एबिलिटी। अब बात करें तो आसानी से मार पाओगे। गाइस आप लोग वुकोंग बने हुए होगे एंड आपको तो पता होगा उसका लोकेशन दिख रहा होगा, इसीलिए सो गाइस मोको का यूज करोगे तो बेटर रहेगा। एंड मोको का यूज नहीं करना तो हायातो का यूज करना। हायातो गाइड का एबिलिटी जिस टाइम भी आप लोग किसी भी एनिमी को डैमेज देते हो तो डैमेज ज्यादा जाएगा, एंड जिस टाइम भी आपको कोई भी एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपको डैमेज कम पड़ेगा। एंड गाइस ये तब होगा जब आपका 10% से एचपी लूज होगा, मैक्सिमम एचपी जो होता है ना वो। चलो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। गाइस मैंने बहुत बार बताया फिर भी मैं बता देता हूं। देखो गाइस यहां पे मेरा मैक्सिमम एचपी 200 कंप्लीट है, इसलिए गाइस यहां पे हायातो गाइड का एबिलिटी बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगा। बट देखो गाइस यहां पे जैसे मेरा मैक्सिमम एचपी 10% से कम है, इसलिए देखो गाइस यहां पे हायातो गाइड का एबिलिटी वर्क कर रहा है। एंड देखो अभी 121 का फटका पड़ रहा है। एंड गाइस पहले कितना कम डैमेज पड़ रहा था, क्योंकि गाइस पहले बेस्ट वर्क कर रहा था एंड अब बेस्ट वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए गाइस बहुत डैमेज पड़ रहा है। इस तरीके से गाइस जब अगर आपका एचपी लूज होगा ना, तो आपको आने वाले डैमेज को भी कम कर देगा हायातो गाइड। अगर आपको सही से हायातो गाइड का एबिलिटी पता नहीं है तो गाइस हमारे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बन चुकी है, वहां पे जाके देख सकते हो। सो गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था वुकोंग के साथ सीएस में। गाइस अगर आप लोग ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सीएस में वुकोंग के साथ यूज कर दो ना, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया प्ले कर पाओगे आप। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चलो गाइस बाय बाय।